हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल, फुल जानकारी करने के बाद आपको एक एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देख रहे हैं या देखना चाहते हैं तो वीडियो से शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि मैं इसके अंदर एक एक जानकारी आपको दूंगा कि बिहार पुलिस में इसका रिजल्ट कब आ रहा है, इसकी डेट कब आएगी और फिजिकल टेस्ट कब होगा, और पीईटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, 100% सही एवं सटीक जानकारी दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बंदों से कि जिन बंदों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्यों, और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड कई प्रकार की जानकारियां देता रहता हूं बिहार पुलिस से, और एजुकेशन से रिलेटेड भी कई वीडियो डालता रहता हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि बिहार पुलिस के जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं 12 जनवरी, और जो दो पाली में हुए थे 12 जनवरी और 8 मार्च को जो अभी हुए हैं, एग्जाम देने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो उसका वीडियो मैं डाल चुका हूं अपने चैनल पर, आप देख के देख सकते हैं जाके, 100% 95% वही कट ऑफ रहेगा। पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था वो लीकेज हो गया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना अधिक लीकेज नहीं हुआ था, उसके एकदम क्लियर ही सभी जो क्वेश्चंस थे वे सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसे हम लीकेज नहीं कह सकते, पेपर लीक नहीं कह सकते। जो कट ऑफ जाना था उतना ही कट ऑफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक एक जानकारी मैं देने जा रहा हूं। आपको पता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से, देखिए रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल टेस्ट जाने कब होगा, और पीईटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, सभी जानकारी मैं इसी में वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और एक प्यारे से कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो फ्रेंड्स, मैं अभी से कह देता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि भाई फिजिकली तैयारी करें या नहीं करें, तो फ्रेंड अभी से तैयारी चालू कर दो। आपको पता है कि 30% अंक लाने होते हैं, मात्र 30% अंक, पास पेपर में पास होने के लिए मात्र 30% अंक लाने होते हैं। अगर आपके 100 में से 30 नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे एग्जामिनेशन को, पेपर को क्वालिफाइड रहोगे। लेकिन आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो मेरिट बनती है वो फिजिकल टेस्ट के आधार पर बनती है, क्योंकि फिजिकल का भी टेस्ट रहता है, उसमें भी उसके नंबर जुड़ते हैं, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट दोनों के नंबर जुड़ते हैं, तभी आपकी मेरिट बन पाती है। तो मेरा मानना है कि सबसे अधिक ध्यान अभी से आप फिजिकल टेस्ट पर देना चालू कर दो, क्योंकि फिजिकल टेस्ट आपका एकदम क्लियरली रहा तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपको पता है कि फिजिकल टेस्ट थोड़ा टफ पड़ता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो अगर आप अभी से तैयारी चालू कर दो। तो अभी हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम रिजल्ट डेट की बात करेंगे। तो रिजल्ट डेट कब आएगी, इसका कट ऑफ कब आएगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बात करें 2017 की, 2017 के अनुमान लगाएंगे हम कि कितने महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 2017 से। तो 2017 का आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल चुकी है। आपको पता है कि 2017 में दो पालियों में पेपर हुए थे, 2017 में भी दो, इससे पहले जो एग्जाम हुए थे वो दो पालियों में हुए थे, 15-10-2017 और दूसरी सेकंड पाली है 22-10-2017, इन दो पालियों में एग्जाम हुए थे। अब बात करेंगे कि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट कब तक आया, कितने महीने बाद रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं 10वें महीने में आपके एग्जाम हुए थे, तो देखिए ये रिजल्ट आया था, ऐसी सारणी आई थी। तो इस प्रकार से आपकी इस वर्ष भी सारणी आएगी, लिस्ट आएगी। तो आपको बता दूं, अभी देखिए 3/2/2018 में आपका रिजल्ट आ गया, 3/2 मतलब फरवरी का महीना स्टार्ट ही हुआ, तो तीन महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ गया था इससे पहले एग्जाम का। तो
आपको फिजिकल पीईटी टेस्ट के लिए, जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके लिए अधिक टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी बंधुओं से कि अभी से फिजिकल टेस्ट की तैयारी चालू कर दें, क्योंकि 2 ढाई महीने मिलेंगे, उसमें अगर आपकी तैयारी में कोई भी कमी रह जाती है, आपको पता है कि गोला फेंक, दौड़, लंबाई, ऊंचाई, सीना सब कुछ लिया जाता है इसके अंदर, रस्सी कूद सब कुछ टोटली, तो इस बात का ध्यान रखना है। रनिंग थोड़ी टपड़ती है उसकी, अगर अभी से तैयारी चालू कर देंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मैंने अभी से बताया, जैसे कि आपका एग्जाम 2000 इसकी बात करें, जो एग्जाम अभी हुए हैं 11,880 पद के अभी रनिंग में, 12 जनवरी और 8 मार्च को, 8 मार्च को मान के चले, तो अप्रैल मई जून, जून में आपका रिजल्ट पक्का है, जून में आपका जो रिजल्ट आना है वो पक्का है। तो फ्रेंड्स अभी आपके पास कितने महीने बचे हैं, 1.5 महीना या 2 महीना मान के चलो, 1.5 से 2 महीने, 1.5 महीना मान के चलो, इसलिए मैं कहता हूं कि आप फिजिकल टेस्ट के लिए आपको अधिक टाइम नहीं मिलेगा, आप चाहें कि भाई रिजल्ट आने के बाद आपको 2 महीने 3 महीने, नहीं, कम से कम 15 दिन के अंदर बाद ही आपका फिजिकल टेस्ट चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी से चालू कर दो। तो जैसे कि हमने बात की, अभी जैसे कि हमने बात की रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की बात की, तो अब बात करेंगे फिजिकल टेस्ट जाने कब होगा, फिजिकल टेस्ट कब होगा। तो फिजिकल टेस्ट मान लो रिजल्ट आने के बाद कम से कम 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपका 100% फिजिकल टेस्ट होना है। तो ये भी मैंने बता दिया भाई, रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बता दिया, और फिजिकल टेस्ट कब होगा ये भी बता दिया। और अब बात करेंगे पीटी में कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, पीटी जो फिजिकल टेस्ट, जो इसके बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, तो उसकी भी बात करते हैं। जैसे कि बात करें पीटी में कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, तो अभी बताता हूं मैं, जो अभी एग्जाम दिए हैं, अब इस एग्जाम के बाद 100% आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि 30% नंबर चाहिए, तो आप अभी से तैयारी चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले जानकारी होना जरूरी है कि भाई उसमें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो भाई डॉक्यूमेंट्स अभी से बता देता हूँ ताकि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें। भाई वीडियो लंबा जरूर होगा, कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है, अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपको किसी, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हो रही है उसमें साफ साफ लिखकर दिया है उन्होंने कि भाई आपके द्वारा अगर कोई भी गलती होती है तो हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, आपकी जो भी प्रक्रिया होगी उसे रद्द किया जाएगा, उन्होंने साफ साफ लिखा है। मैं अभी बता सकता हूँ, इस पीडीएफ में लिखा था, बहुत ही जरूरी जानकारी है, क्योंकि एकदम 100% जानकारी दे रहा हूँ एक एक चीज, तो आपको ध्यान रखना है एक एक डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कि बात करें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की जैसे कि बात करें, डॉक्यूमेंट्स आपकी पीईटी में जैसे कि 2017 में जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वही डॉक्यूमेंट्स इस वर्ष लगेंगे। तो जैसे कि पीटी, हाँ पीटी एरा पीडीएफ फाइल 100% एकदम रियल है, ऑफिशियल वेबसाइट्स में मैंने लिए, आप भी देख सकते हैं, रही ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पुलिस की। तो पीईटी के बारे में बात करते हैं, तो पीईटी में नंबर 1 फोटो युक्त पहचान पत्र, जो आपका पहचान पत्र होता है उसका, उस पर फोटो होना चाहिए, फोटो युक्त आपका पहचान पत्र कोई भी हो, आधार कार्ड हो, मतदाना आपका वोटर कार्ड हो, या पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, कई प्रकार से हो सकता है, आपकी मार्कशीट भी हो सकती है पहचान पत्र के रूप में, लेकिन मार्कशीट का अलग कॉलम है, जिसकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपकी 10th 12th की मार्कशीट होना चाहिए उत्तीर्ण, वो भी पास हुए ना, प्रमाण पत्र दोनों, 10th 12th की मार्कशीट, और आपकी चाहिए जन्मतिथि प्रमाण पत्र। आपको पता है ये डॉक्यूमेंट सारे कैंडिडेट्स पर रहता है, लेकिन जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं आप देख सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे मैंने बताया जन्मतिथि प्रमाण पत्र, अगला नंबर बताया जाति प्रमाण पत्र,
बहुत जरूरी है। अगर कोई भी गलती हो आपके डॉक्यूमेंट्स में तो आप उसे अभी से सुधरवा लें, क्योंकि आगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत बड़ी परेशानी उठाई जा सकती है। जैसे कि बात करें जाति सह क्रिमिलियर में नहीं आना आने संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग, तो भाई पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जाति प्रमाण पिछड़ा वर्ग के हैं तो पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण, कोई भी हो आप किसी भी जाति के हो उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो बिहार पुलिस का स्थायी, बिहार राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी होना चाहिए प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड्स मैं एक एक जानकारी आपको फुल डिटेल के साथ दे रहा हूँ। वीडियो को प्लीज लाइक करके जरूर जाया करो, जिससे मैं और भी अच्छी जानकारियां दिया करूंगा आपके लिए। तो जैसे कि और आगे बात करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए थोड़ा नीचे हो गया। अब देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए भाई, अभी से तैयारी चालू कर देना, मेरा यही कहना है। तो जैसे कि और बात करें, प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए, बिहार राज्य के गृह रक्षक, यदि हो गृह रक्षक हो तो इससे छूट मिलती है आपको, जो भी मिलती है। बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानियों के पोता पोती, अगर आपके परिवार में ऐसे कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो पिछला, अगर आप उनके नाती पोता हो तो आपका उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका बहुत ही छूट मिलती है आपके नंबरों में और आपके बिहार पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती में। सभी योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 117। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो भी लगने थे मैंने आपको बता दिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके फिजिकल टेस्ट के लिए होना बहुत ही अनिवार्य है। इस प्रकार से लिस्ट आती है, अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपका रोल नंबर लिखा होगा वो आप क्वालिफाइड होंगे। तो जैसे कि हमने बात की पीईटी में फिजिकल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो जैसे कि आगे बात करें हम, अब बात करेंगे पीईटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स ये बताया, अब बात करेंगे फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। तो फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में अभी बात करने वाले हम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ फिजिकल की बात करेंगे, जैसे कि फिजिकल सबसे पहले बात करते हैं, फिजिकल को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें नए नियम के आधार पर आपका फिजिकल होगा। इस पर आपका कोई भी चेंजिंग हो तो आप देख लेना। वैसे बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी ये ना समझे भाई ये वीडियो फालतू है, फालतू मत समझना, क्योंकि एक एक जानकारी आपको क्लियरली अच्छे तरीका से समझा रहा हूँ। तो जैसे कि बात करें, आपका पहला चरण आपका एग्जामिनेशन होगा, दूसरा चरण की बात करें तो दौड़ रनिंग की बात करें, रनिंग में क्या होता है, रनिंग आपकी 50 नंबर की रहती है, 50 अंक की आपकी रनिंग रहती है। अगर 5 मिनट से कम नंबर लाते का 5 मिनट से कम में अगर आप 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रनिंग, 1600 मीटर की रनिंग आप 5 मिनट में निकाल लेते हो तो आपके 50 नंबर क्लियर ही हैं, 50 नंबर आपको मिल जाएंगे जो आपको मेरिट में पास करा सकते हैं। भाई इसके आधार पर आपको पता है, अगर इससे कम में आते हैं तो 40 अंक मिलेंगे, और भी कम आते हैं तो 30 अंक, और भी कम आते हैं तो 20 अंक। अगर आप 6 मिनट से कम में आते हैं, 6 मिनट से भी अधिक टाइम लगता है आपको उनके पॉलिसी के हिसाब से, तो आपको अनक्वालिफाइड किया जाएगा, आप वहीं से निकाल दिए जाएंगे। तो जैसे कि बात करें और महिलाओं की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो उन्हें 4 मिनट से कम में निकालनी पड़ती है 1 किलोमीटर की रन, 5 मिनट में निकालनी पड़ती है अधिकतम 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट से कम में निकालती हैं तो 50 अंक मिलते हैं। और तो फ्रेंड्स ये जानकारी मैंने दी, और जैसे कि बात करें अभी कंप्लीट फिजिकल की जानकारी लेना, गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक आपको पता है 25 अंक मिलते हैं गोला फेंक को, अगर नहीं पता तो देख लेना, गोला फेंक के लिए आपको 25 अंक मिलते हैं। 16 पाउंड का गोला होता है, 16 पाउंड का, और
तो आपको 16 फीट फेंकना पड़ता है, कम से कम 16 फीट फेंकना पड़ता है क्वालिफाइड होने के लिए। तो 16 से अगर 17 फीट फेंकते हो तो 9 अंक मिलते हैं। हाँ, अगर हाईएस्ट आपके अंक हैं 20 फीट, 20 फीट अगर फेंकते हैं आप तो आपको कंप्लीट नंबर मिलते हैं 25। भाई जो बंदा भाई थोड़ी सी ताकत हुई भाई, उसमें कोई ज्यादा लोड वाला काम नहीं है, अधिक टाइम वैसे नहीं लगता, वजनदार 7.5 किलो का जो भी हो आप उसे आसानी से फेंक सकते हैं 20 फीट। भाई मैंने भी फेंका, मैंने कम से कम 25 फीट फेंक दिया, तो भाई आप 20 फीट फेंक सकते हैं नॉर्मल, तो आपके 25 नंबर तो क्लियर हैं, 75 नंबर तो ये हो गए भाई। अगर आप क्लियरली जैसे कि 100 नंबर का फिजिकल है तो आपको 100 में से अगर 80 नंबर लाते हैं, 100 पर 100% आपका सिलेक्शन होने के चांस हो जाते हैं आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो जैसे कि महिलाओं की भी, फीमेल्स की भी यहाँ दिया है, 12 फीट से 13 फीट फेंकती हैं तो 9 अंक मिलते हैं, हाईएस्ट 16 फीट फेंकती हैं तो उन्हें 25 अंक मिलते हैं। तो जैसे कि और बात करें ऊंची कूद की, ऊंची कूद की बात करें तो अगर हाईएस्ट आप मेल्स की बात करें तो 5 फीट कूदते हैं, 5 फीट कूदते हैं तो 25 नंबर उनके लिए पक्के हो जाते हैं। अगर सबसे अधिक कम फेंकते हैं, 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक मिलते हैं। अगर आप 4 फीट से कम कूदोगे तो आपको अनक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसी इसी प्रकार से फीमेल्स भी देख सकती हैं इस पीडीएफ को। तो मैंने यह बात बताई कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की मेरिट जो रिटन टेस्ट के आधार पर नहीं बनती, बल्कि वहाँ के फिजिकल के आधार पर मेरिट टेस्ट, जो मेरिट बनती है उनके आधार पर, फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही सभी कैंडिडेट्स को चुना जाता है। अब जैसा कि हम बात करेंगे मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और क्या क्या चेक किया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट कैसे होता है आपको बता दूं मैं, कि आपको यहाँ पर भी यही डॉक्यूमेंट्स जरूरी रहेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना। तो मेडिकल टेस्ट की भी बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो मेडिकल टेस्ट की बात करेंगे, देखिए मेडिकल टेस्ट की, मेडिकल टेस्ट की अभी हम बात करने वाले हैं। तो पीडीएफ को अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। हाँ एक बात बता दूँ, जो मैंने दो जो कट ऑफ बनाया है आपके लिए, जो कट ऑफ बनाया है उसके वीडियो आपको, एग्जैक्ट कट ऑफ जो बनाया है आपको, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं उसे बताने से पहले जो क्या कह रहा था मैं, कि आपको जो मैं अभी बता रहा था कि फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी वैकेंसी कैसी है, वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी की बात करें तो जैसे कि सामान्य वर्ग में, वो भी सामान्य वर्ग में 4,778 वैकेंसी है जो अभी है, आपकी टोटल 11,880 है आपकी। आप लिस्ट देख सकते हैं वीडियो को स्किप करके, तो क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इस कारण से मैं जल्दी जल्दी अब बता रहा हूँ। तो अभी बात कर रहे हैं हम मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। अभी देखिए पीडीएफ फाइल को मैं अभी देख रहा हूं, पीडीएफ फाइल में सब कुछ आपको मिल जाएगा, एकदम अच्छे तरीका से आपको एक एक जानकारी इसके बारे में बताया है। जैसे कि बताएं मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप चिकित्सीय परीक्षण, चिकित्सक बहुत ही जरूरी बातें हैं इस बात का ध्यान रखना। तो चिकित्सक कैसे होता है, चिकित्सक की बात करें तो चिकित्सक में क्या क्या चेक किया जाता है, ये देखिए हम पुलिस अस्तक, तो आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा, आपकी आंखें चेक की जाएंगी भाई, आंखों का बहुत ध्यान रखना है। बस आप आंखें चेक की जाएंगी, आपको सामने एक कॉपी या किताब लेके खड़ा होगा कोई व्यक्ति, कोई बंदा, जो उसमें छोटे बड़े अक्षर रहते हैं आपको बस बताने होते हैं कि भाई ए है या बी है, और 1 है या 10 है, इस प्रकार से कोई अंक होते हैं, तो आपका मेडिकल चेकअप इस प्रकार से होता है। कलर ब्लाइंडनेस, ये आपकी आंखों के बारे में ही है,
इसका चेकअप बहुत अच्छी तरह से होता है कि आपके जो हरा रंग दिखाई दे रहा दिखाएंगे वह कहीं आपको अलग से कोई अलग से रंग तो नहीं दिखाई दे रहा, हरा रंग कहीं काला तो नहीं दिखाई दे रहा या नीला तो नहीं दिखाई दे रहा, इस प्रकार से आपके आंखें चेक की जाती हैं। श्रवण की बात करें, सुनने वाली क्षमता, श्रवण शक्ति की बात करें, आपको वो धीमे से किसी प्रकार से वो बोलेगा, धीमे से आपको अगर नहीं सुनाई देता है तो आपको वहीं पर एमएच लगा दी जाएगी। जैसे कि बात करें हकलाट, आपकी जीभ को चेक किया जाएगा, आपकी भाषा बोली को चेक किया जाएगा कि कहीं आप हकलाते तो नहीं है। तो आपकी जो भी चेकअप होने वाले हैं वो सभी हाथ पैर, कहीं कोहनियाँ मिल तो नहीं रही, कहीं पैर के घुटने तो नहीं मिल रहे, इस प्रकार से चेक किए जाते हैं आपके मेडिकल चेकअप। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम नॉर्मल मेडिकल होता है मेडिकल चेकअप बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो मैंने फ्रेंड से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दी कि क्या क्या मेडिकल होता है और क्या क्या पीटी टेस्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सभी की जानकारी दी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो फिजिकल टेस्ट के बारे में बताया है, मेडिकल टेस्ट के बारे में, मेडिकल कैसे होता है और पीटी में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपका इसके बाद होने वाला है। तो रिजल्ट भी कब आएगा ये भी मैंने बता दिया। रिजल्ट जैसा कि 8 मार्च को आपके पेपर खत्म हुए थे, उसके 3 महीने बाद आप मान लो, तो जैसे कि ये मही 8 मार्च, ये महीना तो गया, कम से कम आपके पास 1.5 महीने मान के चलो, 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा पीटी टेस्ट के लिए। आप तैयार रहना, अभी से तैयारी चालू कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।